नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने जामुन का पेड़ लेकर आया हूं और इसी जामुन के फायदे के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप इस पेड़ को पहचान चुके होंगे। तो आओ चलो अब इसके फायदे के बारे में जाने कि यह जामुन का पेड़ हमारे लिए कितना फायदेमंद है। दोस्तों सबसे पहले हम इस जामुन की छाल के फायदे के बारे में बात करेंगे कि आखिर इस जामुन की छाल के अंदर कितने आयुर्वेदिक औषधि गुण समाये हुए हैं और इससे हमारे शरीर में क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों यह जामुन की छाल को पीसकर इसका रस निकालकर करीबन 100 ml तक सेवन करने से पेट रोग ठीक होता है। अब पेट में कौन कौन से रोग ठीक होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी को खूनी दस्त हो रहा है, पेचिश हो रहा है, या पतला टॉयलेट होता है, पैखाना होता है, या कुछ भी खाते ही बार बार टॉयलेट पैखाना जाने का मन करता है, पेट में मरोड़ आता है, दर्द करता है, खाया पिया हजम नहीं होता है, पाचन क्रिया गड़बड़ी है, तो दोस्तों अतिसार, अफरा बीमारी और गैस एसिड का या रामबाण औषधि है जामुन की छाल के गुद्दों का रस। और दोस्तों अगर इसका रस आप तैयार करते हैं 100 ml पीने के लिए, तो स्वाद के लिए उसमें आप 2 चुटकी या 3 चुटकी काला नमक भी डाल सकते हैं, मिला सकते हैं, तो इसका स्वाद जो है पीने में अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका स्वाद जो है कसैला होता है। अगर आप नमक नहीं भी मिलाएंगे तो भी पी सकते हैं, लेकिन अगर नमक डाल देंगे तो काफ़ी स्वादिष्ट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यह है जामुन के कोमल कोमल पत्ते। कोमल कोमल पत्ते त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के चेहरे में दाना है, फोड़ा फुंसी है, पिंपल्स है, तो उन लोगों के लिए यह जामुन का पत्ता बहुत ही फायदेमंद है। करना क्या है, इस तरह से कोमल कोमल जामुन के पत्तों को ले लीजिए और इस पत्ते को पत्थर के सिल में पीस कर इसका रस निकाल लीजिए और उस रस में 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर डाल दीजिए और फिर आप अपने चेहरे पर मसाज कीजिए, तो इसके मसाज से आपके चेहरे में होने वाले दाना, फोड़ा, फुंसी, पिंपल्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों यह जामुन की पत्ती का रस हमारे चेहरे को चमकाने के लिए। दोस्तों यह जामुन के पत्ते और जामुन की छाल बहुत ही फायदेमंद होता है डायबिटीज शुगर रोगियों के लिए, क्योंकि दोस्तों यह छाल जो है खून को साफ करने का काम करता है और जो काम इसका छाल करता है वही काम इसका फल भी करता है, गुठली भी करता है, पत्ते भी करते हैं, लेकिन समय के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए अब आजकल तो फल या गुठली नहीं मिलेंगे तो आपको क्या करना है, तो आप इसके छाल का उपयोग कर सकते हैं खून को साफ करने के लिए। यह खून को फिल्टर करता है, शुद्ध करता है, खून के अंदर के विषैले पदार्थ को निकाल कर बाहर कर देता है, जिसके वजह से डायबिटीज शुगर रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है जामुन के छाल का रस ताज़ा ताज़ा। अगर मान लो ताज़ा ताज़ा आप जामुन के छाल को पीस कर इसका 100 ml रस निकाल कर 8-10 दिन तक पीते हैं तो आपका डायबिटीज शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। फिर आपको एलोपैथिक मेडिसिन खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इसी से आपका डायबिटीज शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, वो भी जड़ से। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों यह जामुन की छाल का रस ताज़ा ताज़ा। यूं तो दोस्तों शहर में रहने वाले लोग जामुन की छाल ताज़ा ताज़ा नहीं पाते हैं, इसलिए आयुर्वेदिक स्टोर से वह जामुन के गुठली का पाउडर इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, लेकिन अगर ताज़ा ताज़ा छाल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है डायबिटीज़ को जड़ से कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों दांतों में होने वाले पेरिया रोग को भी यह ठीक करता है। अगर मान लो किसी के दांतों से खून मवाद आता हो तो इन कोमल कोमल पत्तों को रोज चबाइए, चबाकर 2-3 बार थूक दीजिए, उसके बाद इसका रस आप चूस जाइए, खा लीजिए, तो बहुत से लोगों को क्या होता है पेट की गड़बड़ी की वजह से भी मुंह से बदबू आता है गंदा गंदा। अगर पेट की गड़बड़ी की वजह से मुंह से बदबू आती होगी तो वह मुंह का बदबू बिल्कुल ठीक हो जाएगा मात्र इसके रस को चूसने से। तो दोस्तों यह एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक औषधि है, जो लोग नहीं जानते हैं जान लें। दोस्तों बवासीर रोग को भी ठीक करने के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है जामुन की छाल। अगर मान लो किसी खूनी बादी दोनों प्रकार के बवासीर हो तो कोई गम नहीं, बस इसका छाल निकालिए 100 ग्राम और इस छाल को पत्थर के सिल में पीसिए, पीसने के बाद
50 ml इसका जूस निकालिए, इसके छाल का जूस निकालिए और उसमें आधा चम्मच आप फिटकरी का पाउडर डालिए और उसे चलाकर शरबत के जैसा पी जाइए तो खूनी बवासीर तो 2-3 खुराक में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों बवासीर के लिए या जामुन की छाल का रस और फिटकरी का पाउडर। दोस्तों अगर किसी के पेशाब में जलन होता हो तो वह भी इस जामुन के ताजे ताजे कोमल कोमल पत्तों को तोड़कर पत्थर के सिल में पीसे और करीबन 20 ग्राम इस पत्ते का रस निकालकर 250 ml मठा में डालकर या दही में डालकर वह दिन में 2 बार पिए तो उसके पेशाब का जलन दूर होगा। पेशाब के अंदर गर्मी है और पेशाब का रंग बदला बदला सा है, पीला है, तो वह भी ठीक होगा। दोस्तों अगर कोई शहर में रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रहता है, वह ताजा ताजा जामुन का पत्ता या जामुन का छाल नहीं पा सकता है तो उन लोगों के लिए आयुर्वेदिक स्टोर में जाना सबसे बेहतर है। तो वह लोग आयुर्वेदिक स्टोर में जाकर जामुन के फल का बना हुआ जामुन का सिरका ले आए और उस सिरका को सुबह शाम सेवन करे कुछ दिनों तक तो पेटों की समस्त बीमारी जामुन के सिरका से भी ठीक होता है। जैसे मान लीजिए पेटों में एसिडिटी होता है, गैस होता है, पेटों में जलन होता है, पेट के समस्त बीमारी में आप इस जामुन के सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। और हाँ दोस्तों जामुन का शरबत भी मिलता है, अगर मान लीजिए आप जामुन का शरबत चाहते हैं तो आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में जाकर जामुन का शरबत मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। उस शरबत को भी आप सुबह शाम 20-20 ml सेवन करते हैं तो आपके पेटों की समस्त बीमारी दूर हो जाएंगे, इतना फायदेमंद होता है दोस्तों जामुन के फल से बना हुआ शरबत पेटों के लिए। दोस्तों दांत में अगर दर्द होता है, दांत में पैरिया रोग है, दांत से खून मवाद निकलता है तो आप ये जामुन के डंठल जो है इसे चबाइए, दतून की तरह चबाकर दांतों की जड़ में रगड़िए, मसूड़ों में रगड़िए तो मसूड़े मजबूत होंगे और दांतों की समस्त बीमारी दूर हो जाएंगे 1-2 महीने के अंदर। तो देख लीजिए दोस्तों ये जामुन का डंठल है, इसी का इस्तेमाल करना है दांतों के रोगों पे। दोस्तों बहते हुए कान को भी ठीक करने काम करता है यह जामुन की छाल। आपको करना क्या है, इस जामुन की छाल को पीसकर इसका रस निकाल लीजिए 5 ml तक और उस 5 ml जामुन के रस में 5 ग्राम शहद मिलाकर अगर बहते हुए कान या कानों से पस निकल रहा है, कानों से मवाद आ रहा है तो सबसे पहले रुई डालकर कान को साफ कर दीजिए, फिर उसी कान के अंदर आप करीबन 3-4 बूंद जामुन के रस और शहद दोनों का बना हुआ पेस्ट 2-3 बूंद तक अंदर टपकाइए तो कान के अंदर का जो जख्म होगा, पस निकलता होगा, मवाद आता होगा तो वह नहीं आएगा, ठीक हो जाएगा। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों यह कान के लिए भी। दोस्तों इस जामुन के फल के अंदर से निकलने वाला गुठली आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है मोतियाबिंद में। जैसे मान लो किसी की आंखों में मोतियाबिंद हो गया है तो वह जामुन के गुठली का पाउडर बना ले और उस पाउडर में बराबर मात्रा में शहद मिलाकर किसी डब्बे में रख ले और सुबह शाम 1-1 चम्मच शहद और जामुन की गुठली का सेवन करे तो आंखों में होने वाला मोतियाबिंद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और हाँ दोस्तों जामुन की गुठली को जलाकर राख बना ले और उस राख में शहद मिला ले। जैसे मान लीजिए 1 चुटकी जामुन की गुठली का राख है तो उसमें 1 ग्राम शहद मिला ले और शहद मिलाकर हाथ के गदेली में रखे और काजल की तरह मिलाए। मिलाने के बाद जिन्हें मोतियाबिंद है उनके आंखों में काजल की तरह लगाए तो भी मोतियाबिंद रोग ठीक होता है, इस उपाय से भी जान लीजिए। दोस्तों यह जामुन की छाल का रस पीलिया रोगियों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। इस छाल को ले जाकर सिलबट्टा में पीस कर इसका करीबन 50 ml जूस निकाल लीजिए, रस निकाल लीजिए और उसी में 50 ml सहजन का रस डालकर सुबह सुबह खाली पेट यानी बासी मुंह सेवन कीजिए। 3-4 दिन के अंदर पीलिया रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 1 रुपया का दवा नहीं करना पड़ेगा, इतना फायदेमंद होता है दोस्तों या जामुन की छाल का रस और सहजन की छाल का रस पीलिया रोगियों के लिए। तो चलो दोस्तों इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।